तो गाइस अभी जो आप ये केबल देख रहे हैं हमारा बेस का एम्पलीफायर से आया है, तो अभी हम इसको लो में कनेक्ट कर लेंगे बेस के लिए। दोनों चैनल में देख सकते हैं लो में हमने कनेक्ट कर लिया है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, और आज की वीडियो में हम लेके आए हैं स्टूडियो मास्टर का 3-way एक्टिव क्रॉसओवर, जिसका मॉडल नंबर है SX321। आज इस वीडियो में हम इस क्रॉसओवर का पूरा फुल सेटिंग करने वाले हैं, फुल कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे कि ये क्रॉसओवर को आप कैसे चलाएंगे। हालांकि इस वाला क्रॉसओवर का हमने वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो में हम एक ही एम्पलीफायर के साथ कनेक्शन करके दिखाए हैं और एक ही एम्पलीफायर के साथ सेटिंग करके हम दिखाए हैं। आज इस वीडियो में हम इस क्रॉसओवर का 3 एम्पलीफायर के साथ कनेक्शन करके दिखाएंगे और 3 एम्पलीफायर के साथ सेटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहें, और इसका जो 3-way मोड है, 3-way मोड का हम फुल सेटिंग आज किए हैं, तो इस वीडियो को आप मिस ना करें। और चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो गाइस ये हमारा क्रॉसओवर, और यहाँ पे स्टूडियो मास्टर का ब्रांडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ का स्विच है। हालांकि इस क्रॉसओवर का हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर से छोटा सा क्लोज लुक आपको दिखा देते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर यहाँ पे दिया गया SX321। ये 3-way एक्टिव क्रॉसओवर है, ये 3-way 2-way दोनों मोड पर यह काम करता है। तो चलिए इसका हम बैक पैनल आपको दिखा देते हैं। तो गाइस ये है क्रॉसओवर का बैक पैनल, और कुछ इस तरह से लुक है इसका बैक पैनल का देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में आपको एक पावर के लिए सॉकेट देखने को मिलता है इसका, और यहाँ पे एक अर्थिंग के लिए पोल दिया गया है। तो चलिए इस वाला क्रॉसओवर का हम सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे इसको चलाएंगे हम। तो गाइस सबसे पहले हम इस क्रॉसओवर के बैक पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चैनल 1 के लिए इनपुट का सॉकेट यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे चैनल 2 के लिए इनपुट का सॉकेट, जैसे कि आपका जो मिक्सर से आउटपुट आएगा यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। उसको बाद यहाँ पे देख सकते हैं चैनल 1 का आउटपुट का यहाँ पे सॉकेट देखने को मिलता है, जैसे कि लो आउट है, मिड आउट, यहाँ पे हाई आउट, और यहाँ पे एक स्विच देखने को आपको मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3-way 2-way दोनों का यह मूड का स्विच है। आपको अगर इस क्रॉसओवर को 3-way पर चलाना है या फिर 2-way पर चलाना है, उसको यहाँ पे स्विच दिया गया है। अगर आप इसको 3-way पर चला रहे थे, इसको स्विच को अंदर की तरफ रखें, और इसको 2-way पर चला रहे थे, इसको बाहर की तरफ रखें। और यहाँ पे देख सकते हैं चैनल 2 का आउटपुट सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी सेम ही है, लो आउट और मिड आउट, यहाँ पे हाई आउट, और यहाँ पे भी एक स्विच देखने को मिलता है 3-way 2-way का। उसको बाद यहाँ पे देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सबवूफर मोनो आउट यहाँ पे एक आउटपुट है। इस वाला आउटपुट का मतलब यह है कि जैसे कि अगर आपको ज़्यादा पंच निकालना हो तो यहाँ से आप मोनो आउटपुट ले सकते हैं। और यहाँ पे एक स्विच दिया गया है 80 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज। अगर आपको वाइब्रेशन ज़्यादा चाहिए तो आप 80 हर्ट्ज पर इसको सेट कर सकते हैं, या फिर पंच अगर ज़्यादा निकालना हो इस वाला आउटपुट से तो आप इसको 120 हर्ट्ज पर इसको सेट कर सकते हैं। और चलिए इसका हम फ्रंट पैनल के बारे में बात। तो गाइस ये है क्रॉसओवर का फ्रंट पैनल, और यहाँ पे चैनल 1 देख सकते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चैनल 1 का वॉल्यूम नॉब दिया गया है, और यहाँ पे चैनल 1 का इनपुट का वॉल्यूम नॉब देखने को मिलता है। उसको बाद यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी का क्रॉसओवर सेटिंग का वॉल्यूम नॉब दिया गया है। उसको बाद यहाँ पे देख सकते हैं हाई मिड का यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेटिंग का वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं लो आउटपुट का वॉल्यूम नॉब यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे मिड आउट का वॉल्यूम नॉब है, यहाँ पे हाई आउट का वॉल्यूम नॉब है। और इस चैनल के लिए जैसे कि लो आउट का यहाँ पे म्यूट का स्विच दिया गया है देख सकते हैं। अगर आपको लो फ्रिक्वेंसी को म्यूट करना है तो यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, या फिर मिड को म्यूट करना है तो कर सकते हैं। चलिए इसका हम दूसरा चैनल देख लेते हैं। तो गाइस ये है इसका दूसरा चैनल, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका दूसरा चैनल का वॉल्यूम नॉब देखने को मिलता है। और सबसे पहले आपका इनपुट का देखने को मिलता है, उसके बाद क्रॉसओवर सेटिंग का, उसके बाद फ्रिक्वेंसी सेटिंग का देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लो आउटपुट का, मिड आउट, यहाँ पे हाई आउट, यहाँ पे भी म्यूट का स्विच दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक सबवूफर आउट का वॉल्यूम देखने को मिलता है, जो कि इसको हम टेस्ट करेंगे। और चलिए इसका हम पहले सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मिनी 6 मिक्सर है, इसी से हम टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे दो, देख सकते हैं लेफ्ट राइट, और चलिए क्रॉसओवर के पास चलते हैं। तो गाइस ये वाला केबल हमारा मिक्सर से आउटपुट आया है, तो इसको हम क्रॉसओवर का चैनल 1 में इनपुट कर देते हैं, और इसको चैनल 2 में हम इनपुट कर देते हैं। अब यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं। तो गाइस अभी जो आप ये केबल देख रहे हैं हमारा बेस का एम्पलीफायर से आया है, तो अभी हम इसको लो में कनेक्ट कर लेंगे बेस के लिए। दोनों चैनल में देख सकते हैं लो में हमने कनेक्ट कर लिया है, और अभी हम मिड का एम्पलीफायर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं केबल है, इसको हम मिड में से आउटपुट ले लेते हैं दोनों चैनल से। तो ये हमारा हो गया मिड का आउटपुट, और अभी हम हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ट्रेबल के लिए यहाँ से आउटपुट ले ले रहे हैं HF बॉक्स के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ से हाई में से आउटपुट हमने ले लिया है, और अब हम आपको एक बार सेटिंग समझा देते हैं।
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा मिक्सर से जो आउटपुट हुआ वो हमारा यहाँ पे क्रॉस ओवर में इनपुट हो गया, और यहाँ से दो हमने बेस के लिए आउटपुट निकाला और दो मिड फ्रिक्वेंसी के लिए आउटपुट निकाला और दो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए आउटपुट निकाला। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं बेस के लिए ये वाला एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं और मिड के लिए ये वाला, और यहाँ पे देख सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम इस क्रॉसओवर के ऑन कर लिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इसका चैनल वन का इनपुट का वॉल्यूम अब दिया गया है, तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप इतना खोल लीजिए या फिर इतना खोल लीजिए, और यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉसओवर एक फ्रिक्वेंसी का वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम का मतलब क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 70 हर्ट्ज से लेके 1 किलो हर्ट्ज का यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इस वॉल्यूम में दिया गया है। तो इस वाला वॉल्यूम में आपका मिड और लो का फ्रिक्वेंसी इसमें दिया गया है। तो जैसे कि अगर आप इस वॉल्यूम को इतना बढ़ा देंगे तो आपका बेस में मिड आने लगेगा, अगर आपको इसको इतना रखते हैं तो आपका बेस में बेस आएगा। तो जैसे कि अभी हम इसको बेस के लिए सेट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको 150 हर्ट्ज पर सेट कर दिए हैं। तो 70 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी हमारा बेस में आउटपुट होगा, और 150 हर्ट्ज के बाद का फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ से 1 किलो हर्ट्ज तक का वो हमारा मिड में आउटपुट होगा। तो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्रिक्वेंसी का वॉल्यूम अब देखने को मिलता है। इस वाला फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे कि हाई मिड का सेटिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 910 हर्ट्ज से लेके 8000 किलो हर्ट्ज तक इस वाला वॉल्यूम में फ्रिक्वेंसी दिया गया है। तो जैसे कि इसको हम सेट करते हैं अभी हाई मिड के लिए, तो यहाँ पे हम ला के इसको 4000 किलो हर्ट्ज पर सेट कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 910 हर्ट्ज से लेके 4000 किलो हर्ट्ज तक हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारा मिड का टॉप में आउटपुट होगा, और जो 4000 के बाद का फ्रिक्वेंसी 8000 किलो हर्ट्ज तक का ये हमारा हाई में आउटपुट होगा। तो कुछ इस तरह से सेटिंग होता है क्रॉसओवर का। और अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, सबसे पहले लो फ्रिक्वेंसी को हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से हम अनम्यूट करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हम इनपुट का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, और अभी क्या करेंगे कि इसका लो का हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं साउंड आना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से हमारा साउंड आ रहा है देख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे कि इसमें साउंड आ रहा है तो इसको हम फुल कर देंगे और यहाँ से म्यूट कर देंगे। अभी हम चेक करेंगे मिड को, तो यहाँ से अनम्यूट करते हैं और मिड को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना एम्पलीफायर से वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से देख सकते हैं मिड का भी साउंड आने लगा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको भी हम इतना करके और म्यूट कर देंगे। अभी हम हाई फ्रिक्वेंसी को चेक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम म्यूट को अनम्यूट कर दिए हैं, और अभी हाई फ्रिक्वेंसी को साउंड चेक करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा हाई फ्रिक्वेंसी में भी साउंड आ गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको भी हम फुल कर देते हैं और इसको भी हम म्यूट कर देते हैं। अभी दूसरा चैनल को भी सेम ही सेटिंग कर लेते हैं हम, और इसका भी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 150 किलो हर्ट्ज पर सेट कर देते हैं, और यहाँ पे 4 किलो हर्ट्ज पर उसको बाद हम। तो गाइस अभी हम दूसरा चैनल का भी लो फ्रिक्वेंसी हम फुल खोल देते हैं, और मिड का जो है इतना पला के सेट कर देते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी को हम फुल कर देते हैं। अभी हम सबको अनम्यूट करके चेक कर लेते हैं कि साउंड आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम यहाँ से लो फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं साउंड आने लगा है। अभी हम थोड़ा सा मिक्सर से साउंड बढ़ा लेते हैं, देख सकते हैं साउंड आ रहा है। अभी हम मिड को म्यूट करते हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी हो गया। तो भाई सुन सकते हैं आवाज़ आना स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा और साउंड हम बढ़ा लेते हैं, तो कुछ उस तरह से सेटिंग होता है, काफ़ी आसान है। बहुत सारे साउंड वाला भाई ऐसे होते हैं कि जिनको सेटिंग करना नहीं आता है, तो इस वीडियो को देख के पूरा आप सेटिंग सीख सकते हैं। तो चलिए इसको हम साउंड टेस्ट कर लेते हैं।
तो गाइस अभी हम इस क्रॉसओवर को थ्री वे मोड पे आपको चला के दिखाया, इसका सेटिंग समझाया, और अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक सबवूफर आउट है, तो इस पे हमने एम्पलीफायर कनेक्ट कर लिया है, इसे भी हम चला के देख लेते हैं। तो हालांकि ये जो आउटपुट है ये 21 इंच के स्पीकर के लिए होता है या फिर 24 इंच के सबवूफर के लिए होता है, तो इस पे 18 इंच का भी स्पीकर चला सकते हैं। तो चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अनम्यूट करते हैं और यहाँ से वॉल्यूम इसका बढ़ा लेते हैं। देख सकते हैं इस वाला सबवूफर का वॉल्यूम में कोई भी फ्रिक्वेंसी आपका काम नहीं करेगा, खाली इनपुट का यहाँ पे वॉल्यूम ये काम करेगा। तो आपका इनपुट का बढ़ा देना है यहाँ से, सबवूफर का वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा, देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़ आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी क्या है कि वाइब्रेशन ज़्यादा आ रहा है। पीछे में हम एक स्विच बताए थे आपको, उस स्विच की मदद से आप पंच इसको निकाल सकते हैं। देख सकते हैं अभी हम स्विच इसका दबा रहे हैं, तो देख सकते हैं पंच इसका बढ़ गया है। तो कुछ इस तरह से इसका सेटिंग होता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फेज़ का बटन देखने को मिलता है, लो के लिए, मिड के लिए, हाई के लिए, और यहाँ पे भी दिया गया है। इस वाला बटन का मतलब क्या है, तो जैसे कि अगर आपका लो आउट में, लो फ्रिक्वेंसी में हनिंग आ रहा है या फिर मिड फ्रिक्वेंसी में हनिंग आ रहा है, तो इस वाला बटन को आप दबाएँगे तो लो का जो बेस रहेगा उसको उल्टा कर देगा और हनिंग आपका दूर हो जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इस वाला क्रॉसओवर का थ्री वे मोड में आपको चला के दिखाए हैं, और अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका टू वे मोड का भी वीडियो हम लेके आएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तो बहुत सारा वीडियो लाने वाले हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं।